एक एक चम्मच, तो धीरे धीरे फर्क नजर आएगा। ये फसल का भी ऐसा ही है, पूरा पानी भर करके फसल को डुबो तो जैसे फसल अच्छी होती है ऐसा नहीं है। बूंद बूंद पानी पिलाया जाए तो फसल ज्यादा अच्छी होती है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अनपढ़ माँ भी अपने बच्चे को 10 लीटर दूध से नहलाती नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे हम लोग पूरा खेत पानी से भर देते हैं। खैर, इन सारी चीजों में बदलाव लाने के लिए कोशिश करते रहना है। हम कैच द रेन जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण से देश के जन जन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस साल मार्च में ही देश में 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है। इसमें पानी के प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है, और अनुमान है कि इससे भारत के फॉरेस्ट कवर में 7,400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। बीते 8 वर्षों में भारत ने अपना जो फॉरेस्ट कवर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया है, उसमें ये और मदद करेगा। साथियों, भारत आज बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी जिन नीतियों पर चल रहा है, उसने वन्य जीवों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज चाहे टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो या फिर एलिफेंट, सभी की संख्या देश में बढ़ रही है। साथियों, देश में ये भी पहली बार हुआ है जब हमारे गांव और शहर को स्वच्छ बनाने, ईंधन में आत्मनिर्भरता, किसानों को अतिरिक्त आय और मिट्टी के स्वास्थ्य के अभियान को हमने एक साथ जोड़ा है। गोवर्धन योजना ऐसा ही एक प्रयास है। और जब मैं गोवर्धन योजना बोलता हूं तो कुछ सेक्युलर लोगों को सवाल उठेगा कि ये कौन सा गोवर्धन ले आया है, वो परेशान हो जाएंगे। इस गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट्स गोबर और खेती से निकलने वाले अन्य कचरे को ऊर्जा में बदला जा रहा है। कभी आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएं तो वहां एक गोवर्धन का भी प्लांट कुछ किलोमीटर दूरी पर लगाए, जरूर देख के आइए। इससे जो जैविक खाद बनती है वो खेतों में काम आ रही है। मिट्टी पर अतिरिक्त दबाव बनाए बिना हम पर्याप्त उत्पादन कर सके, इसके लिए बीते 7-8 सालों में 1600 से ज्यादा नई वैरायटी के बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। साथियों, नेचुरल फार्मिंग में भी हमारी आज की चुनौतियों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान है। इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांवों में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे, नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे। हमारे देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने सुना है, डिफेंस कॉरिडोर हमने सुना है, हमने एक नया प्रारंभ किया है गंगा के तट पर एग्रीकल्चर कॉरिडोर का, नेचुरल फार्मिंग का। इससे हमारे खेत तो केमिकल फ्री होंगे ही, नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा। भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन को रिस्टोर करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है।
साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए आज भारत नए इनोवेशंस प्रो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दे रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए हम BS5 नॉर्म पर नहीं आए, बल्कि BS4 से सीधे BS6 पर हम जंप लगा दिया। हमने जो देश भर में LED बल्ब देने के लिए उजाला योजना चलाई, उसकी वजह से सालाना लगभग 40 मिलियन टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। सिर्फ लट्टू के बदलने से घर में अगर सब लोग जुड़ जाएं, सबका प्रयास कितना बड़ा परिणाम लाता है। भारत फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम से कम करने का प्रयास कर रहा है। हमारी ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हो, इसके लिए हम तेजी से बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से हासिल करने का लक्ष्य तय किया था। ये लक्ष्य भारत ने तय समय से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। आज हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 18 गुना बढ़ चुकी है। हाइड्रोजन मिशन हो या फिर सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी का विषय हो, ये पर्यावरण रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमने पुरानी गाड़ियों को लिए स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं, वो स्क्रैप पॉलिसी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच आज पर्यावरण दिवस के दिन भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है, और ये मेरा सौभाग्य है कि खुशखबरी देने के लिए मुझे आज बहुत उचित मंच मिल गया है। भारत की परंपरा रही है कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं तो आधा पुण्य आपको मिल जाता है। ये खुशखबरी मैं आप जरूर सुनाऊंगा और देश को और दुनिया के लोगों को भी आनंद आएगा। हाँ, कुछ लोग आनंद ही ले सकते हैं। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।
और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने के वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है।